टेक्निकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल राज टेक्निकल को और घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा डाले गए हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम का वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों ये मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, ये कैसे बनाना है, इसका अंदर जो मैंने क्या डाला है, क्या सर्किट है इसका, दोस्तों ये आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के अंदर, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों का वीडियो हम लेजर लाइट से संबंधित है कि हम कैसे लेजर लाइट सिक्योरिटी से अपने घर का ये सिक्योरिटी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिएगा, जैसे एक ट्रांजिस्टर है BC547 का, और ये रेजिडेंस है, रजिस्टर है 100K का, और ये एक LDR सेंसर है। तो दोस्तों इसका एक आसान सा ही सर्किट है, मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ और उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है इसके ऊपर, उसका मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे, इसमें तीन टर्म इसके लेग हैं C, B और E। तो इसमें हम एक LDR सेंसर को B और E के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी इसके साथ हम एक रजिस्टर लगाएंगे 100K का, जो हम बी के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी जो इसका ई है उसके साथ हम एक LED लाइट या बुजर कुछ भी इसके साथ लगा सकते हैं। अभी हमें इसके साथ एक LED लाइट लगाएंगे। दोस्तों ये एक LED लाइट है, इसको हम इसके साथ पहले कनेक्ट कर देते हैं, माइनस का माइनस में, और इसका जो पॉजिटिव है उसको हम ये रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा सर्किट एक लगभग तैयार हो गया है, अभी हम इसको 3 से लेकर 12 वोल्टेज तक अब इसको हम लाइट दे सकते हैं। उसके आगे जो हम कुछ भी उपकरण लगाएंगे, जैसे लाइट LED लाइट या बुजर कुछ भी लगाते हैं, तो उसी की कैपेसिटी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अभी हमने ये LED लाइट लगाया है तो अभी इसको हम 4 वोल्टेज तक करंट दे सकते हैं, अगर ज़्यादा देंगे तो ये LED लाइट जल जाएगी। अभी मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो अभी इसके साथ हम पावर को इसको देके देखते हैं, जो ये ट्रांजिस्टर का ई साइड है उसके हम माइनस से करंट देंगे, और ये LED का जो पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव देंगे। तो अभी ये हमने करंट दे दिया है, अभी जो ये LDR है इस पर जैसे हम अंधेरा कर देंगे तो इसका ये अपना काम करना शुरू कर देगा। जैसे ये देखिए दोस्तों, हटाया तो वापस बंद हो गया, जैसे इसको अंधेरा करेंगे वापस ये जलने लग जाएगा। अभी दोस्तों लाइट में ये क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार मैं आपको इसका टेस्टिंग अंधेरे में करवा देता हूं। दोस्तों अभी दोस्तों इसको देख के, अभी ये थोड़ा अंधेरा है इधर, लेकिन सेंसर को लाइट मिल रही है अभी भी। अगर इसको हम अंधेरा इस पर करेंगे तो ये अपने आप लाइट जलेगी। अभी देखिए दोस्तों अच्छी लाइट जल रही है। तो ये हमारा सर्किट तैयार हो गया है, अभी इसको हम लेजर के साथ भी टेस्टिंग करेंगे।
अभी दोस्तों देखिए लाइट जल रही है, जैसे हम इस पे एलडीआर सेंसर पे लेजर लाइट जलाएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगी, और लेजर लाइट बंद करेंगे तो अपने आप चालू हो जाएंगी। इस प्रकार से हमारा ये सर्किट तैयार हो गया। अभी इस सर्किट को हम अपने घर पे सिक्योरिटी सिस्टम की तरह तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, ऐसे मैंने 4 सर्किट लिए हैं और जो आगे मैंने एलईडी लाइट लगाई है उनकी जगह एक बुजर को लगाया है, जिससे और उनके सामने दूसरा एक और वैसा ही प्रोजेक्ट बना करके उसमें लेजर लाइट फिट कर दिया है, जिससे उन दोनों पे ऐसा कॉम्बिनेशन उनका बनाया कि वो लेजर लाइट डायरेक्ट सेंसर पे गिरती है। अगर उनके बीच में कोई भी आ जाता है तो वह बुजर अपने आप सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो दिखाता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह प्रोजेक्ट। दोस्तों मैंने यह दो सिक्योरिटी लेजर लाइट सिस्टम तैयार किया है, जिसमें ये दो मैंने ऐसे ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें एक में मैंने पूरा लेजर लाइट सिस्टम डाला है, जिसमें लेजर लाइटें डाली हुई हैं जो सीधे फोकस करती हैं। इसमें एलडीआर सेंसर है उन पे, यहाँ से लेजर लाइट डायरेक्ट एलडीआर सेंसर पे इस टाइप से गिरेंगे। अगर कहीं दरवाजे पे हम ये सिस्टम लगाते हैं तो दरवाजे के एक साइड में लेजर लाइट और एक साइड में ये एलडीआर सेंसर का ये प्रोजेक्ट हम लगाएंगे, जिससे लेजर लाइट एलडीआर पे डायरेक्ट गिरेगी। ये 4 लेजर लाइट है और इसमें 4 एलडीआर सेंसर हैं, उन पे डायरेक्ट गिरेगी। अगर उनके बीच में कुछ भी आ जाता है, अगर उन पे जैसे नाइट में अगर अंधेरा रहता है जब तक लेजर लाइट गिरेगी तब तक ये डीएक्टिवेट रहेंगे, जैसे ही लेजर लाइट के बीच में कोई भी आएगा ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। और ये जो बुजर लगा के रखा है 12 वोल्टेज का बुजर है, और इसमें मैंने पावर सप्लाई 12 वोल्टेज का दिया हुआ है, एक अडेप्टर डाला हुआ है, और जो लेजर लाइट है उसमें मैंने 4 वोल्टेज का एक अडेप्टर डाला है जिससे लेजर लाइट जलती हैं। तो दोस्तों अभी इसका मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी दोस्तों देखिए अभी ये सिस्टम हमारा तैयार हो चुका है। अभी दोस्तों देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट इस तरह से हमने बनाया है, जैसे इस साइड में हमने लेजर लाइटें लगा दी हैं और इस साइड में हमने सेंसर का पूरा इसमें जो इसका सेट कर दिया है, इसमें 4 सेंसर लगाए हैं, इस साइड में 4 लेजर लाइट लगाई हैं और इसमें एक बुजर लगा दिया, बुजर 12 वोल्टेज का है और इसमें एक 12 वोल्टेज का अडेप्टर लगाया है और इसमें 4 वोल्टेज का अडेप्टर लगाया है जिससे ये लेजर लाइट ऑन होती है। अभी देखिए दोस्तों ये इसके अंदर जब इस पर फोकस करती हैं लेजर लाइटें तो ये सेंसर डीएक्टिवेट रहते हैं, जैसे ही ये लेजर लाइट इसके ऊपर से हटती हैं, यानी कि जैसे ही इनके बीच में अगर कुछ आ जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं सेंसर और अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे बुजर अपने आप बजने लग जाता है। देखिए दोस्तों अभी ये लाइट इस पर गिर रही हैं, अगर मैं इनके बीच में हाथ कर दूंगा या इसको रोकूंगा तो ये बुजर अपने आप बजेगा, सायरन करेगा। अभी देखिए ये देखिए दोस्तों, जैसे अगर हमने दरवाजे पर लगा के रखे, अगर कोई इसके बीच में आता है तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और चलना शुरू कर देगा। ये देखिए दोस्तों सेम दूसरा, सेम तीसरा, और ऐसे दोस्तों चौथा। इसको हम हाइट में भी लगा सकते हैं और ज़्यादा का बड़ा भी बना सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा दूर कवर कर सकते हैं। और दोस्तों ये लेजर लाइट है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, जिससे हम 100 मीटर तक इसको हम कवर कर सकते हैं और 100 मीटर के एरिए के अंदर हम ये सिस्टम लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले घंटी के निशान को भी दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।